The Abacus Corner. Hey guys, welcome to my channel. I am Yashita. In last class, we learned add neighbor or you can say add pan. तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आपको अबाकस के अलावा कुछ नया करके दिखाऊं। तो मैं आज ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। आज हम सीखने वाले हैं जापानीज ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, ये बहुत ही इजी और सिंपल से ट्रिक है और इसे आप आसानी से समझ भी पाएंगे। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी अबाकस में छोटा छोटा ब्रेक देने के लिए, और हमें है ना इसमें फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है और अबाकस में भी फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए अबाकस के लिए बहुत अच्छा वार्म अप भी रहेगा और ये छोटा सा ब्रेक भी रहेगा। मैंने देखा है कि कई लोग है ना मेरी वीडियोस को देखते तो है पर मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्रिक को। तो मैं सबसे पहले आपको छोटे छोटे नंबर से दिखाती हूँ करके। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 12 × 13। ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आप जैसे ही देखोगे ना आपको लगेगी क्या अमेजिंग ट्रिक थी। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, जैसे ये डिजिट्स है ना 1 और 2, 1 और 3, हमें इन डिजिट्स की बजाय हमें लाइंस बनानी है। ठीक है, कैसे वो देखिए। 1 के लिए हमें बनानी है 1 लाइन ऐसे, और 2 के लिए 2 लाइंस, इससे थोड़ा सा गैप देके हमें बनानी है 2 लाइंस, 1 2। तो हमारी ये 12 के लिए लाइंस बन गई 1 और 2, 12। अब हमें 13 के लिए लाइंस बनानी है, तो 13 के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐसे करके लाइंस बनानी है। ये हमने ऐसे बनाई थी, हमें ये वाली ऐसे बनानी है, क्रॉस रखना है हमें। तो 1 के लिए पहले 1 लाइन, फिर हमें थोड़ा सा गैप देके 3 लाइंस बनानी है 3 के लिए 1 2 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल लाइंस बनाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से डिजिट्स निकालनी है। डिजिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वो पॉइंट्स काउंट करने हैं जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करिए। तो सबसे राइट वाली साइड कहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे, और सबसे लेफ्ट वाली साइड यहाँ पे, और बीच वाले जो पॉइंट्स है उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 टाइम्स लाइंस इंटरसेक्ट करिए, तो हमारा जो वंस डिजिट है वो होगा 6। ओके, अब ये वाली 1 2 3, 3 यहाँ पे और 1 2, 2 यहाँ पे, 3 और 2, 5, तो इसका 10th प्लेस हो जाएगा 5, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार करिए तो 1, तो हमारा इसका आंसर आ गया 156। थी ना ये एकदम अमेजिंग ट्रिक। तो इस ट्रिक के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो चलिए अब एक और मैं आपको समझाती हूँ सम। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, जैसा कि आपने मैंने बताया था और आपने देखा। ठीक है, तो मान लो हमें करना है 22 × 23, हमें ये करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो 2 के लिए 2 लाइंस हम ऐसे बनाएंगे और 2 लाइंस ऐसे, ये 22। अब ये ऐसे करेंगे 2 के लिए, 2 के लिए लाइंस बन गई। अब 3 के लिए 1 2 2 और 3। अब हमें क्या करना है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ और 1 2 3 4, 4 यहाँ, 6 और 4 कितने होते हैं 10। अब हम 10 ऐसे तो लिख नहीं सकते,
तो हमें क्या करना है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 10 का सिर्फ 0 लिखना है यहाँ, और जो उसका 1 होगा उसे हम यहाँ पे कैरी के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 यहाँ पे और 1 कैरी 5, 506 आ गया इसका आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो इसका आंसर 506 आएगा। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। 22, 23, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6 और 2 2 4, 6 0 5 0 6, जैसा कि मैंने कहा था इसका आंसर है 506। तो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, चलो छोटे छोटे नंबर करके मुझे पता है आप बोर हो जाते हो, और जो हमारी सिंपल ट्रिक है उसके साथ तो है ना हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है पर हम उससे बहुत बोर हो जाते हैं। तो चलिए हम ये वाले ट्रिक करते हैं। इस ट्रिक से है ना आप बोर भी नहीं होंगे और ये बहुत ही इजी भी है। तो थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलते हैं, जैसे 41 × 40 × 51, ठीक है। तो 4 लाइंस यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 लाइंस यहाँ और 1, 1 ऐसे। अब 5 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गई। अब 1, 1 लाइन ऐसे। अब हमें क्या करना है, डिजिट्स को निकालना है, मतलब पॉइंट्स को काउंट करना है। यहाँ पे सिर्फ 1 तो हमारा टेंस आएगा 1, सॉरी वंस आएगा 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 5 और 4, 9 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो हमारा आंसर आएगा 2091, यानी 2091। थी ना ये बहुत ही इजी ट्रिक। तो अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं या फिर फास्ट करें। चलिए पहले बड़ा नंबर दिखाती हूँ मैं आपको, फिर हम फास्ट करेंगे। अब हम थोड़े और कैरी वाले सम्स करते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लें, मैं रैंडम नंबर्स ले रही हूँ क्योंकि मैंने है ना इस वीडियो को बनाने से पहले अपने दिमाग में कुछ नहीं ले रखा था। तो 67 × 54 ये मैंने ले लिया, ये भी कैरी वाले हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारी लाइन्स हो गया। तो इन लाइन्स को आप थोड़ा बड़ा बनाना, अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ। फिर 5, 1, 2, 3 ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, 3, 4, 5 अब 4 लाइन्स 1, 2, 3, 4 अब हमें फिर से वही करना है, पॉइंट्स को काउंट करना है। आप इसके जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ्स करना इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले, अब हमें बहुत सारे पॉइंट्स को काउंट करना है। मैं आपको 3 डिजिट वाले भी बताऊंगी, पहले ये 2 डिजिट वाले हैं, ये इजी से कर लें। फिर मैं अगली वीडियो में जब मैं अगली बार जापनीज ट्रिक सिखाऊंगी तब मैं आपको 3 डिजिट वाले सिखाऊंगी। अभी 2 डिजिट वालों की अच्छे से प्रैक्टिस करो,
तब तक मैं उस 3 डिजिट वाले की वीडियो बना दूंगी, ठीक है? तो चलिए आप पॉइंट्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। आप है ना, इस ये लाइन है ना, मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाई है, आप इस लाइन को बनाना मत वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कहाँ पे पॉइंट्स को कट करना है। तो वो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। तो 28 का हम सिर्फ क्या लेंगे, 8 हमारा हो गया वंस, 28 था तो हम यहाँ पे 2 इसे कैरी दे देंगे। यहाँ के काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 यहाँ पे, और यहाँ पे तो और ज्यादा होंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 on to 61, तो 1 यहाँ और 6 यहाँ, ठीक है? अब इन पॉइंट्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप इन पॉइंट्स को ऐसे काउंट करने के बजाय पता है कैसे कर सकते हो? जो लोग मैथ्स में बहुत होशियार होंगे, मुझे पता है उन्हें आसानी से समझ आ गया होगा, हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 into 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 is 30 और 6, 36, 3, 6, 1, 8। ट्रिक के अंदर ट्रिक यही होता है मैथ्स, हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करने होते हैं। तो इसका आंसर आ गया 3, 6, 1, 8। तो मैं एक और सम करवा देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना, तो अब मैं थोड़ी फास्ट करके दिखाती हूँ, वीडियो को मैं फास्ट नहीं कर रही, मैं खुद फास्ट करके दिखा देती हूँ। तो छोटे छोटे सम्स करूं या फिर बड़े, मैं सोच रही छोटे सम्स एक बार फास्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे 24 into 13, 1, 2, 1, 2, 3, 4, फिर 1 और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1 carry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 or 1, 11, 1, 1 carry, 2 or 1, 3, इसका आंसर आ गया 312। एक और सम करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत मजे आ रहे हैं, तो चलो एक और सम करते हैं। जैसे मैंने कर दिया 22 into 11, ये बहुत ही इजी सम है, अरे मैंने पहले भी करवाया था शायद, चलो मैं इसे इरेज करके 11 की जगह कुछ और लिख देती हूँ, 22 into 33, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1 carry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 1, 7, 7, 26, आ रहे ना मजे। तो चलो एक लास्ट सम करते हैं, पर मैं अगली बार आपको 3 डिजिट वाला पक्का समझाऊंगी, ठीक है? मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं ये ट्रिक समझाने में, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। तो एक और सम करते हैं, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 34 into 41, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4 और 1, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 और 1 carry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1394। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको इसका पार्ट टू यानी कि 3 डिजिट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, तभी मैं आपके लिए इसका पार्ट टू लाऊंगी। तो मुझे पता है आपको ये ट्रिक स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगेगी, तो पर ये ट्रिक इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमें ना क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेशन से हमें क्या, कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको अगली वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगी। कंसंट्रेशन और फोकस अबैकस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अबैकस का जब हम लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे, लेवल 2 में आपको फोकस और कंसंट्रेशन ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं।